तो दोस्तों आज एक बहुत बड़ी खबर निकल के सामने आई है भारत की वायुसेना की तरफ से और भारतीय वायुसेना ने मांगी है भारतीय वैज्ञानिकों की मदद। दरअसल दोस्तों भारतीय वायुसेना ने कहा कि अभी हम BBR मिसाइलों को लेकर फ्रांस और रूस पर निर्भर हैं और आप सभी जानते हो कि रूस फंसा हुआ है युद्ध में और ऐसे समय में यदि फ्रांस भी किसी कारण से अपने हथियार या फिर BBR मिसाइलों को भारत को देने से इनकार कर दे तो भारत इस समय बहुत ही बड़े संकट में पड़ जाएगा क्योंकि BBR मिसाइलें हम इन्हीं देशों से लेते हैं। इसके अलावा फ्रांस की तरफ से बनाई गई मीटियोर मिसाइल की जो एक्चुअल प्राइस है वो 17 करोड़ के आसपास है परंतु भारत के यहाँ पर आते आते इसकी प्राइस 25 करोड़ हो जाती है। और यहाँ पर वायुसेना ने प्राइस को ज्यादा मेंशन नहीं किया, यहाँ पर मेंशन किया हथियारों की आपूर्ति को। यदि किसी कारणवश फ्रांस और जो रूस है भारत को BBR मिसाइल नहीं दे पाए और हमारा किसी दुश्मन देश के साथ बहुत दिनों तक युद्ध छिड़ गया तो भारत के फाइटर जेटों के अंदर मिसाइलों की कमी आ जाएगी और इस कारण से जो एयरफोर्स है वो युद्ध के दौरान उतना अच्छा पराक्रम नहीं दिखा पाएगी जितना कि एयरफोर्स दिखाना चाहती है। और बस इसी बात को लेकर एयरफोर्स ने भारत की सरकार और भारत के वैज्ञानिकों से अपील की है कि हमारी जो अस्त्रा Mark II मिसाइल है उसका जल्दी से जल्दी परीक्षण किया जाए और जितनी जल्दी हो सके इसको बनाकर भारत के जो भी फाइटर जेट हैं उनके अंतर्गत लगाया जाए। और दोस्तों बस इतनी वायुसेना की तरफ से अपील क्या आनी थी, भारत के वैज्ञानिकों ने बहुत ही बड़ा धमाका करने की तैयारी कर ली है और स्क्रीन पर आप सभी एक स्क्रीनशॉट भी देख सकते हो जिसके माध्यम से ऐसी जानकारी दी गई है कि अब भारत के वैज्ञानिक भारतीय वायुसेना की आवश्यकताओं को देखते हुए अस्त्र Mark II मिसाइल का जो परीक्षण है उसको इसी महीने करने जा रहे हैं। दरअसल दोस्तों खबरें कुछ ऐसी थी कि अस्त्र Mark II मिसाइल का जो परीक्षण है वो जनवरी 2022 में ही हो सकता था परंतु कुछ टेक्निकल कारणों के कारण इस मिसाइल का जो परीक्षण है वो टल गया। परंतु जैसे ही भारतीय वायुसेना ने अपील करी भारत के वैज्ञानिक तैयार हुए और अब इसी महीने इस मिसाइल का परीक्षण होने जा रहा है जिसकी रेंज है 160 किलोमीटर और स्पीड है 4.5 मैक से 5.6 मैक के आसपास और इसके आ जाने से भारतीय वायुसेना की जो ताकत है वो लगभग 1.5 गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। खैर आप सभी के इस टॉपिक पर क्या राय है और भारतीय वायुसेना के लिए कौन सी मिसाइलें ज्यादा अच्छी रहेंगी, स्वदेशी या फिर विदेशी, कमेंट बॉक्स में फिर आवेश दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।